नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। और निफ्टी बैंक निफ्टी आज फर्स्ट ऑफ जून थी भाई, उसकी शुरुआत हुई है और मार्केट ने हल्के से बेयरिश साइन देना शुरू किया है। ठीक है, 18,500 के नीचे क्लोजिंग, ठीक ठाक क्लोजिंग है बियर्स के लिए, ये पहली चीज़। दूसरा, अच्छा होता अगर ये वाली जो कैंडल है ये थी आपकी बुधवार की कैंडल, इसका जो लो है ये था लो, वीकनेस का साइन देखिए, एक्चुअली यहीं पे मिलना था 18,481, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती तो बहुत बढ़िया नेगेटिव साइन हो जाना था, अच्छा खासा नेगेटिव साइन हो जाना था। ठीक है, यहाँ पे अब चलिए हम कल की चर्चा करते हैं। कल होने वाला है दिन आपका शुक्रवार, एक बहुत इम्पोर्टेंट डे है और आप देखेंगे तो एक्चुअली ध्यान से ये आपका लास्ट फ्राइडे था और मार्केट अभी लास्ट फ्राइडे के आसपास ही है जहाँ पे वो बंद हुआ था 18,490, जो पिछले वीक का लास्ट डे था। ठीक है, तो कल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, जो एरिया जो जोन जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ ये पूरा बाई का सेटअप बनेगा, इधर इधर पूरा सेल का सेटअप बनेगा। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम इंट्रा डे पर्पस से। ठीक है, सिर्फ कल कल के लिए। आज सुबह टेलीग्राम पे आपको एक मैसेज दिया था कि कुछ मत करिए, बीच में पैसे ख़राब होंगे। मूव आया मार्केट में 2:00 कह लीजिए आप 40 मिनट के आसपास उसमें। ठीक है, तो निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मूव था। तो यहाँ पे अगर आप देखें कल इंट्राडे पर्पस से, तो इसके ऊपर अगर निफ्टी आपको मिलता है 18,535, तो एक 18,500 का SL लगाइए और बाय का बटन दबाना है। ठीक है, चल पहले मैं वो डिस्क्लेमर दे दूं भाई, ये जो प्रॉपर जो वीडियो बन रही है, ठीक है, ये बन रही है क्या एजुकेशनल पर्पस से, इसका और कोई मुद्दा नहीं है, एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बन रही है, किसी को कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इनके साथ फिर भी करते हैं तो आप ही अपने प्रॉफिट लॉस के जिम्मेवार होंगे। ठीक है, तो ये जो रेड लाइन मैंने खींची हुई है, ये पूरा जो लेवल है आपको दिख रहा होगा 18,534, ये इम्पोर्टेंट है 18,535, इसके ऊपर अगर आपको निफ्टी मिलता है बाय करिए फॉर द टारगेट ऑफ 18,600-610, यहाँ पे निकल जाइएगा, प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो तेजी है वो 18,650 के ऊपर ही, ठीक है, वो फिर हम इंट्राडे में ही देखेंगे किस प्रकार का सीन सिनेरियो बन रहा है। आपको सेल करना है जैसे ही इसके नीचे रहता है निफ्टी, इस लेवल के नीचे अगर 15 मिनट भी रुक जाता है आपको सेल का ही बटन दबाना है, फिर नीचे के टारगेट ओपन है बहुत बढ़िया तरीके से, और पुट को कैरी भी करके जाइएगा 18,000, यही पहला टारगेट है, मैं कोई नीचे का टारगेट नहीं आपको देना चाहता, 18,050 यही है पहला टारगेट, नेक्स्ट वीक में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंट्राडे में जितना जहां तक गिरेगा देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि 18,380 पे शायद ब्रेक लगे, पर पुट को कैरी करके जाइएगा, बट उसको शिफ्ट कर लीजिएगा भैया अपना मंथली पुट में, मैं कोई वीकली पुट वुट लेके किसी को नहीं बोलना चाहता कि आप वीकली पुट में कैरी करके जाइए। हाँ, सिंपल सी बात है, मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, 18,480 इसके नीचे 15 मिनट भी रुक जाता है, राम नाम सत्य हो जाएगा निफ्टी का, नेक्स्ट वीक विद इन नेक्स्ट वीक इनफैक्ट उससे पहले ही आपको 18,050 दिख जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, पूरी पूरी उम्मीद है। बाय का सेटअप मैंने आपको इससे पहले अच्छे से समझा दिया है और हाँ फिलहाल यही है। ठीक है, इसमें एक सीन सिनेरियो ये थोड़ा बन सकता है, देखिए जो यहाँ पे दिख रहा है अगर ये है तो, क्योंकि ये मूव जो है तेज़ी से आया है, एक ये सीन सिनेरियो बन सकता है 18,720। ठीक है, ये सीन सिनेरियो बन सकता है, पर उसके लिए लेवल मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है 18,535, इसके ऊपर जाएगा तो ही आपको
ये मूव देखने को मिलेगा। फिर ये फॉर्मेशन जो है ये पूरी हो जाएगी, उसके बाद मार्केट एक बड़ी गिरावट देना चालू कर सकता है। कल के लिए लेवल्स फिर से बता देता हूँ, 18,480 ये नीचे का है, यहाँ से सेल इनिशिएट करिए। 18,535 ये बाय साइड का है, यहाँ से बाय इनिशिएट करिए। ये हो गया आपका निफ्टी। अब आते हैं बैंक निफ्टी। अच्छी खासी कैंडल बनी है, ये ज़्यादा नेगेटिव देखे, इसने पूरा अच्छा खासा साइन दिया, इसने कल की कैंडल का जो लो है उसके भी नीचे क्लोज किया है, ठीक है, उसके भी नीचे क्लोज किया है, तो बहुत चांसेस है कि ये एक बार इसके आसपास आएगा। ये है 43,650 के आसपास। तो जिस दिन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आ गई, मोटा मोटा 43,600 इस लेवल के जिस दिन नीचे क्लोजिंग आ गई, 1,000 से 1,500 पॉइंट की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में बहुत जल्द देखने को मिलेगी, बहुत जल्द। 1,000 से 1,500 पॉइंट गिरावट 3 से 4 दिन के अंदर ही बहुत जल्द देखने को मिलेगी, बस एक क्लोजिंग 43,600 के नीचे, ठीक है। ये पूरा इसने ये जो यहाँ से ये जो रैली है ना 42,800 से ये ऊपर, ये ऐसे 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 45,000, देखिए ऑल टाइम हाई आया तो है पर ऑल टाइम हाई में कोई मज़ा नहीं है, ठीक है, ऑल टाइम हाई में कोई मज़ा नहीं है। तेज़ी में जैसे आप पीछे के चार्ट देखेंगे, ये देखिए जैसे ये था इसका पहले ऑल टाइम हाई, है ना, 33,000 कितना 400, तब इसने इसको काटा, ये यहाँ पे दोबारा से रिजेक्शन लेके नीचे, ये ऑल टाइम हाई गया फिर नीचे, अब ये ऑल टाइम हाई है, ये देखिए बिल्कुल सीधा खड़ी तेजी यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद जब जब ऊपर की तरफ गया है इसके बाद, क्योंकि ये भी आपकी 2,000+ पॉइंट की रैली थी, ये वाली जो रैली थी, फिर जब जब ये ATH कटा, फिर एक ये ATH कटा, फिर एक ये OTH, इनमें मज़ा नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए ये एक ATH अभी पीछे आपको दिखाया था, कितना है ये 41,600, यहाँ से ऊपर गया, इसने टॉप बनाया कितना 44,100 के आसपास का टॉप बनाया था। ये जो 2,500 पॉइंट की रैली थी, कितने हुए ये 2,400 2,500 2,500 पॉइंट के लगभग हुए, इन 2,500 पॉइंट में आप दिन देखिए कितने हैं, ठीक है, जबकि ब्रेकआउट देके जैसे मैंने अभी आपको पीछे प्राइस एक्शन दिखाया, ये चाल होनी चाहिए ये, तो जब जब ऐसे काटेगा लो को रिटेस्ट करेगा। अब ये हाई है यहाँ तो पता नहीं क्या कर रहा है, हाई ब्रेकआउट देना, ब्रेकआउट की कैरेक्टरिस्टिक कहीं से भी ना निफ्टी में दिख रही है ना बैंक निफ्टी में दिख रही है, ठीक है। ज़बरदस्ती का ये ATH लग गया है, दोबारा से अगर इनको ऊपर खींचना है तो एक बार को 44,800 के आसपास ज़रूर जा सकता है, वहाँ से तो फिर नीचे की तरफ ही आपको गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। तो कल इंट्राडे पर्पस से ये मोटा मोटा मैंने आपके साथ शेयर किया थी, इंट्राडे पर्पस से क्या करना है आपको 43,600 भाई, जब तक ये लेवल ना टूटे, क्योंकि यहाँ पे आप सपोर्ट देखिए अच्छा खासा सपोर्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लगातार 9 दिन की कैंडल, और फिर से भी आप इसी जोन को मान लीजिए, तो ये लेवल जब तक ना टूटे सेल नहीं दबाना है। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, 43,850 इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहता है एक बार को बाय करिए, ठीक है, बट आपको एग्जिट कहाँ करना है 44,100 पे, 200 सवा 200 पॉइंट लेके एग्जिट करिए, उसके बाद में आपको तेजी रिकमेंड नहीं कर सकता, उसके बाद तेजी है इस लेवल के ऊपर जब ये दोबारा क्रॉस करेगा। मैं छोटा आपको चार्ट लगा के बताता हूँ, ये है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया है, इसको तोड़े तभी सेल मारिए, ऊपर की तरफ जो तेजी आपको देखने को मिलेगी जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा, ये है 44,350। तो यहां पे जब आएगा एक बार को बुक कर लेना आपको,
और इस लेवल के ऊपर बाय करना है। 43900 नोट करिए दोस्तों, 43 8 5 0 नहीं, 43900 अबव बाय करिए, पर टारगेट भाई 44100, इससे ऊपर का नहीं है ये भी इंट्राडे, इससे ऊपर का बिल्कुल कोई, यहाँ निकल जाइएगा, ये जाता है ऊपर जाने दीजिए, फिर बाय आपका बनेगा ये जो मैंने लाइन खींची हुई है इसके ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो ये है मोटा मोटा बैंक निफ्टी, लेवल नीचे का 43600, लेवल ऊपर का 43900, बट तेजी सिर्फ 200 पॉइंट, 200 क्या 150 लेके निकल जाइएगा, 150 180 ये मिलेंगे आपको अगर ऊपर की तरफ जाता है तो, ठीक है। और दूसरा लेवल जो ऊपर का शेयर किया है मैंने आपके साथ, वो क्या है 44350, इसके ऊपर बाय करिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इतना ही एनालिसिस है फिलहाल कल के लिए, बाकी वीकेंड पे लंबी चौड़ी बात करेंगे कि मार्केट कैसा दिखता है आने वाले टाइम में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।